प्रदेश माची कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति की अध्यक्षता में परंपरागत माची कला कारीगरों की सुविधा एवं समस्याओं पर परिचर्चा का आयोजन सर्किट हाउस के सभागार में किया गया। बैठक में माची कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि माची कला बोर्ड प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से है। इनके कारीगरों की समस्याओं का निराकरण प्रमुखता के आधार पर किए जाए तथा एक सप्ताह के अंदर माची कला परिवारों की गणना कराई जाए, तत्पश्चात उन्हें मिट्टी के पट्टे आवंटित किए जाए और जिनके पट्टे पर अवैध रूप से कब्जा हो उसे तत्काल मुक्त कराते हुए अवैध कब्जेदार के विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी उप जिलाधिकारी तहसीलों पर लेखपालों की बैठक कर माची कला परिवारों की गणना एक सप्ताह के अंदर करा ले और उन परिवारों के आधार कार्ड एवं बैंक खाता भी सुनिश्चित किया जाए। मिट्टी के पट्टे आवंटित किए जाए। बरसात के पानी संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि गर्मी के दिनों में तालाबों में मिट्टी माटी कला कारीगरों को निकालने दिए जाए। श्री प्रजापति ने कहा कि माटी कला बोर्ड का जनपद में शोरूम व्यवस्थित किया जाए जिससे प्रदेश के अंदर मिट्टी से बनने वाले उत्पादों को संग्रह किया जा सके। उन्होंने बताया कि 150 से अधिक मिट्टी उत्पाद बनाए जा रहे हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर जिलाधिकारी राजस्व राजेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति ने कहा, सर नमस्कार। सर मैं इंद्रजीत सिंह, सी डी ओ गोरखपुर। सर मैंने 1 अगस्त को यहाँ, मैं सर एम पी मौर्य, क्षेत्रीय ग्राम उद्योग अधिकारी, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी। कौन सी तहसील है? सर नमस्कार, सर मेरा नाम राज सोनी है। ये लीन गोरखपुर ये सब ये नाम मैं विमोद कुमार वर्मा, अनुशासी बनता सिंचाई बताइए आप लोगों में से जानकारी किसको है? हमारे अमितचंद पांडे जी, नंदीप सहगल जी, राज माटी कला के संबंधित विषयों पर कितने पत्र आए? सर 3 पत्र आए हैं शासन से। 3 पत्र आए थे जीवन समय समय पर। एक एक रिकॉर्ड तो रहना चाहिए ना, धीरे धीरे रिकॉर्ड रहना चाहिए। 2019 एक पत्र आया, 4 जून 2020 एक पत्र आया है, 1 मई 5 मई एक हमारा डेट छूट गया, फाइल छूट गई, उसमें 2 पत्र और इसके बाद है। हम माटी कला बोर्ड ट्रैकिंग पे जानकारी क्या नहीं था, इसके बावजूद उनके गृह जनपद की स्थिति इतनी खराब, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति गोरखपुर। जिलाधिकारी के माध्यम से एक सूचना हमारे पास नहीं है। खादी ग्राम उद्योग की तरफ से हमारे पास सूचना है 1127 नामों की, लेकिन जिला अधिकारी के माध्यम से एक भी नाम की हमारे पास सूचना नहीं है। मुख्यालय अब ये बता दीजिए क्या जगह है। और डेली हमारे यहाँ आपको पता है जैसे कोविड की चल रही है, डेली रिपोर्ट हमारी ही जा रही है और प्रत्येक मंगलवार को जब प्रशासन हमारी कैबिनेट की बैठक होती है उसमें पूरी डिटेल रखी जाती है। और ये बैठक हम लेने आए हैं सदर तहसील में। कौन है सदर तहसील से? सदर तहसील एक पार्क में है, पंचायत विषय में है और यह पार्क 150 पार्क 149 के हैं और पंचायत विभाग में। चोरी चोरा पहले ही आपकी बहुत दिल्ली की स्थिति खराब, अब भी 2 तहसील हैं, ऐसे काम नहीं चलता। आगरा से 600-700 किलोमीटर चल के आए, रोजाना नहीं आए तो गोरखपुर पूरा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है।
आपका ये कैसे होगा, बैठक तो हम नहीं करेंगे, दो तहसील में बैठक नहीं करेंगे, मेरी स्थिति की स्थिति बहुत खराब है, बताइए कैसे होगा। कैसे भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन तहसील स्तर से, तहसील स्तर से हमारे पास जो सूचना है खाली ग्राम बंधु के माध्यम से, सदर में 8 गांव में संख्या दिखाई है जो माटी कला के रूप रहे थे, ठीक है, 8 गाँव, टोटल गांव कितने होंगे बताइए, सैजन गाँव में 1 भी नाम नहीं है, खजरी में 18 गांव दिखाए हैं जिनमें लोग रहते हैं, बांस गांव में 0 है, टोटल संख्या है 549 और इसमें 0 दिखाया है, 80 गाँव दिखाए हैं, बोला तो 3 गांव दिखाए हैं, चोरी चोरा 0 है और कैसे 0 है, ये चाहे अगर तहसील चाहे उस 3 दिन में गणना हो जाएगी, मात्र 3 दिन में। अब एक बात बताइए, 88 लेखपालों के अंदर में 4549 गाँव, कितने गाँव आते हैं एक लेखपाल, 88 लेखपालों के कितने गाँव आते हैं, 4 या 5 गाँव आते हैं, सभी को तब मिला करके अगर पूरी तहसील में देखें, 5 गाँव में हो सकता है कि किसी गाँव में ये परिवार न रहते, ये भी हो सकता है, अगर पूरे 5 गांव में है तो ज़्यादा ज़्यादा 8-10 बजे से ज़्यादा नहीं होंगे, पूरे गांव की गणना तो करनी है, पूरे गांव की करने नहीं, एक लेखपाल को एक गांव में 6-7-8 घर करने में कितनी देर लगेगी, बताइए कितनी देर लगेगी, बताएं बोले ना है 2 घंटा 3 घंटा ले लो, एक दिन में 2 गांव कर सकते हैं, एक दिन में 2 गांव हो गए तो 5 गांव 2 दिन में कोई बड़ा काम है क्या, लेकिन सालों से ये लटका पड़ा है तो वजह क्या है, सर हमारे यहाँ पट्टे हुए हैं और रहते भी हैं 6 गांव हमें सर जो माटी कला का कार्य होता है, 32 परिवारों को हम लोगों ने पट्टे किए, विषय पर बात में आएगी और कहिए कि लेखपालों की बैठक बुलाएं जल्दी सभी तहसील और उनको समय दें, 4 दिन या 5 दिन या 3 दिन जितना समय दें उतना समय दें, इतने समय में इन परिवारों की गणना करके आपको देनी है, पर दोनों आपके पास है कि नहीं, हम उनसे पूछ रहा हूँ दोनों के पास है कि नहीं, इसी पर फोटो है, जिसने काम और करना है उनका आधार कार्ड, तो बैंक का अकाउंट नंबर, ये ओरिजिनल है, वो सभी लेखपालों को बुला करके 3-4 दिन का समय दें कि इतने समय में आपको करके देना है, कोरोना है तो 2-1 दिन का समय और देते थोड़े सिक्की के हिसाब से, उस हिसाब से 5 दिन में करके दे सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं, एक तो ये संख्या की आंकलन लेना पूरा, उसी में ये कॉलम भी है कि मिट्टी के पट्टे आपके हुए हैं कि नहीं हुए, कोई सरकारी योजना का लाभ मिला है कि नहीं मिला है, पूरी डिटेल उसी में है, सारा आंकड़ा हमारे पास आ जाए, उसके बाद हम आएंगे फिर पट्टों पे, जब हमारे पास संख्या का आंकलन आ जाएगा तब आएंगे, आवंटित किए जाए ये सूचना तो सभी से जनपदों में है, जब हम जाएंगे और उनका जब आंकलन लेंगे उसी में हमारे पास जानकारी आ जाएगी कि इस गांव में पट्टी की जरूरत है, दे पाएंगे, शासन का निर्देश था कि गर्मियों में सभी तालाब हमारी तहसील में जितने तालाब हैं सभी में मिट्टी निकालने दी जाए, अभी हो जाती है उसमें फायदे कितने हैं, अगर हम समतल जमीन पर पट्टी करेंगे
या तालाबों में गर्मियों में जैसे तालाब सूख जाते हैं तो अनबत्ती बट्टी निकालने की जरूरत है, तालाब की गहराई हो। समतल जमीन पर अगर हम पट्टे करेंगे मट्टी उठाई जाएगी तो स्वाभाविक से गड्ढे होंगे, तो बरसात के पानी का जल का संरक्षण होगा उससे। आप तराई के क्षेत्र में अगर आप बुंदेलखंड में जाएंगे तो पानी की जिन तालाबों में आप उंगली नहीं डाल सकते, पशु पानी नहीं पिएंगे, उन तालाबों में पब्लिक का नहाना और कपड़े धोना होता है, आपको से देखा है, मैं बता रहे हैं। अगर मान लो दुर्भाग्य से अगर हम वहाँ पहुँच गए तो जन्म हमारा अगर उधर हो गया तो कैसे करेंगे, तो हमें जल का संरक्षण भी करना है। एक आप नोट कर लीजिए, तो हमें लग रहा है कि यहाँ युवा ही नहीं होगा, प्लास्टिक पे हमने छापे डाले हैं क्या, मैं तो छापे डाले हैं डालिए, खोज करके दो तीन बरास तक पकड़िए, तब वो बंद होगा, तब ये माटी कला आ भी जाएगा। और एक जिलाधिकारी के माध्यम से एक लेटर जारी करिए, प्रशासनिक जब भी बैठक होंगी उसमें मिट्टी के कुंजड़ और ग्लास भी बैठक में चलन में रहेंगे, सभी बैठकों में जनपद की प्रशासनिक बैठक। देखिए आपके माध्यम से आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने माटी कला से जुड़े दूर दराज गाँव गली मोहल्लों में रहने वाले शिल्पकारों की चिंता करके माटी कला बोर्ड का गठन किया। माटी कला का गठन होने के बाद संपूर्ण जनपदों में हम एक माटी कला से जुड़े परिवारों का चिन्हीकरण का कार्य योजना हमारी चल रही है, उसके बाद कई योजनाएं हमारी 6 योजनाएं हमारी माटी कला बोर्ड की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिसमें एक हमारी पुरस्कार वितरण की योजना है, हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इन्हीं सभी विषयों को लेकर के आज जनपद में तहसील और जिला प्रशासन के सभी लोगों को बुला करके उसकी समीक्षा की है कि कितने हमारे परिवारों का आंकड़ा हमारे पास है, कितनी हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ ये माटी कला से जुड़े परिवार पा रहे हैं, कौन सी ऐसी हमारे ज़िले में तहसील ऐसी हैं जिसमें माटी कला के ये पट्टे आवंटित किए गए, उन पर कोई अनधिकृत कब्जा तो नहीं है, अगर कब्जा है तो तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, इन सभी विषयों को लेकर के आज बैठक हुई।